हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। इससे पहले भी मैंने मैथ से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर आई थी, जो ओलंपियाड एग्ज़ाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए उसके आगे की सीरीज हम स्टार्ट करते हैं और मैथ ओलंपियाड में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तक हम करवा चुके थे, आज से हम 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, काउंट द फ्लावर्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट नंबर्स नेम। 1, 2, 3, 4, 5 क्या ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी 5 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, काउंट द नंबर ऑफ फ्लावर्स एंड सेलेक्ट द नंबर्स नेम। फ्लावर्स को काउंट करना है और देन उसके नंबर नेम को टिक लगाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने हो गए? 6। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। काउंट द नंबर ऑफ स्टार्स इन द बॉक्स एंड अकॉर्डिंगली आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 48 to 52। ये पिक्चर्स को देखते हुए क्वेश्चन नंबर 48 से 52 के आंसर को हमें जवाब देना है। अब हम देखते हैं, नंबर 1 में 3 स्टार है, 2 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टार है, 3 में 5 स्टार है, 4 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 स्टार है और 5 में 4 स्टार है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, हाउ मेनी स्टार्स डज द फिफ्थ बॉक्स है? फिफ्थ बॉक्स में कितने स्टार हैं? 1, 2, 3, 4 तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। क्वेश्चन नंबर 49, वाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द स्टार अ बॉक्स हैज? अर्थात सबसे ज़्यादा स्टार कौन से बॉक्स में हैं? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा स्टार जो है स्टार बॉक्स नंबर 4 में है। तो करेक्ट आंसर इज हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टार बॉक्स है 4। तो आंसर इज करेक्ट, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टार बॉक्स है, सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर किस में है? कितने स्टार हैं ग्रेटेस्ट नंबर्स में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 स्टार ग्रेटेस्ट हैं। आंसर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, हाउ मेनी स्टार डज द थर्ड बॉक्स हैव? थर्ड बॉक्स में कितने स्टार हैं? काउंट करेंगे थर्ड बॉक्स, 1, 2, 3, 4, 5 5 स्टार है तो थर्ड बॉक्स में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज़ द लोएस्ट नंबर स्टार हैज ए बॉक्स? सबसे कम स्टार कौन से बॉक्स में है? तो सबसे कम स्टार हम देख पा रहे हैं बॉक्स नंबर 1 में, सबसे कम है 3 स्टार है। तो सबसे कम जो है कितने स्टार हैं? 3। करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 52। हाउ मेनी स्टार डज द फर्स्ट बॉक्स है? फर्स्ट बॉक्स में कितने स्टार हैं? तो फर्स्ट बॉक्स में हमारे पास स्टार हैं 1, 2, 3 तो फर्स्ट बॉक्स में आंसर हो गया ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, सेलेक्ट द ऑर्डिनल नंबर ऑफ 4। क्वेश्चन नंबर 53, सेलेक्ट द ऑर्डिनल नंबर ऑफ 4। ऑप्शन ए सेकेंड, बी फोर्थ, सी फिफ्थ एंड डी फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 54, सेलेक्ट द ऑर्डिनल नंबर ऑफ 8। सेवेंथ, बी ऑप्शन सिक्स्थ, सी ऑप्शन एट्थ और डी ऑप्शन 9th। करेक्ट ऑप्शन इज ऑर्डिनल नंबर ऑफ 8 इज इक्वल टू ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल
सो सिक्स इज मोर देन टू, सिक्स इज मोर देन टू के लिए हम कौन सा सिंबल लगाएंगे? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, सिक्स इज मोर देन टू, तो हम सिंबल कौन सा लगा रहे हैं, इस प्रकार ग्रेटर देन का सिंबल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स शो डैट फोर एंड फोर आर इक्वल? फोर एंड फोर आर इक्वल के लिए हम क्या लगाते हैं, इक्वल का साइन इस प्रकार हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच इज़ द करेक्ट सिंबल टू बी यूज हेयर? अब यहाँ पे सिंबल हमें लगाना है, पहले काउंट करके देखेंगे कौन सा सिंबल लगेगा। 1 2 3 4, ये क्या हो गया हमारा 4, और ये क्या है 1 2 3 4 5 6, ये नंबर्स हो गए 6 सर्कल एंड 4 सर्कल, या 4 बॉल एंड 6 बॉल। तो इसके लिए हमारा क्या हो रहा है, 6 बॉल ग्रेटर देन हो रहा है और 4 बॉल लेस देन हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रकार का हम साइन क्या लगाएंगे, 4 लेस देन 6। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विच सिंबल विल शो 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे, तो सिंबल हमारा क्या हो रहा है, ये सिंबल हो रहा है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, विच इज़ द करेक्ट सिंबल टू बी यूज्ड हेयर? अब यहाँ पर हम देखेंगे करेक्ट सिंबल कौन सा लगेगा, तो हमारा ये हो जाएगा 1 2 3 4 है, 4 ग्वावा और 1 2 3 4 5, 5 एप्पल है, तो ग्वावा कम है अब एप्पल ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, ग्वावा लेस देन 5 एप्पल, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स द लेजर देन साइन? ऑप्शन ए 4 पेंस 3 पेंस, तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 ग्रेटर देन 3 पेंस। ऑप्शन बी 7 पेंस एंड 5 पेंस, तो 7 ग्रेटर देन 5 पेंस। ऑप्शन सी 6 पेंस 4 पेंस, तो 6 पेंस ग्रेटर देन 4 पेंस। और ऑप्शन डी 6 पेंस एंड 8 पेंस, सो 6 लेस देन 8 पेंस। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। आज के लिए इतना ही, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं, और इसी प्रकार की अन्य प्रैक्टिस सेट देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन दबाना न भूलें जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।